हमारे पीयूष भाई का भी पूरा सपोर्ट है, सब सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो चैनल का भाई के पीयूष, जो भी सब्सक्राइब करेगा पाल ले जी का बिस्किट दूंगा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा, तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। भगवा चोला तन पे जो तू ओढ़े, हर चोला तो जाएगा पीछे छोड़े। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। देखो डिस्कशन चल रहा है, एक भाई सो चुका है, पीयूष भाई फुल चौड़े में लेटे हुए हैं और मैं जाने वाला हूँ फ़ोन चार्ज पे लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जाएंगे स्नान करने, उसके बाद मिलते हैं, बाकी देखो क्या चलता है। चाल तो आज हम आ गए हैं हरिद्वार की सड़कों पे, दिल्ली से निकले हैं हरिद्वार के लिए। ये भाई पूरा ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं हमको। भाई क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा हरिद्वार स्वर्ग है, ठीक है। हम यहाँ जितनी बार भी आते हैं वो हमारे मन को कम लगता है, ठीक है। और बाकी ज़्यादा स्टेटमेंट हमारे निखिल भाई देंगे, ताकि 1001 बार आ चुके हैं और ये बचपन से आ रहे हैं 5 साल की एज से, और इनका रहना खाना भी बिल्कुल अब यही हो गया है। जरा अपनी शक्ल दिखाओ, पागल मिलने वाले। दिल से सच्चे मन की ख्वाहिश है कि मैं यहाँ पर पार्ले जी के बिस्कुट बटवाऊँ, वो भी चंदन भाई के पैसों से। तो भाई ने पूरी गाड़ी में भाई इंटरटेनमेंट किया, भाई सोने नहीं दिया भाई ने बिल्कुल। भाई यही तो क्रेज है अपना, इतना हजार लाके पागल कर दिया। और ये भाई भाई उन्होंने गाड़ी ऐसे चलाई है ना, फास्ट एंड फ्यूरियस वाली भाई, फास्ट एंड फ्यूरियस वाली भाई, डॉम डायरेक्टर को टक्कर दे दिया आपने। क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? मतलब 6 घंटे का रास्ता आपने 4 घंटे में कर कर दिया, उससे भी कम हो जाता, क्योंकि इन्हें क्या करें, बस का ड्राइवर निकल गया। समझ रहे हो, सच्ची वाली हरिद्वार में गया। आग की स्पीड पर आने के बाद भाई कहते हैं आगे से धुआं कैसे आ गया। तो भाई ने मॉडिफाई कर लिया अपने हाइप को, भाई अपग्रेड कर लिया मैंने इन्होंने मॉडिफाई। अपलोड करें नए वर्जन इसके अंदर अपने। भाई अब सोच रहे कि नहाना कैसे है, भाई कैसे नहाना है? भाई सीकड़े यहाँ पकड़ने का कोई सिस्टम नहीं, डायरेक्ट छलांग लगाना है, डायरेक्ट यहाँ से वहाँ चले जाना कूद के। भाई आप कहाँ तक चले जाओगे? सिस्टम पकड़ोगे ना? तो भाई हाथ पकड़ोगे नहाने वाला इंसान, हाथ पकड़ के गहरा है, बहुत गहरा है, मेरे तो डर लग रहा है, मैं शायद कूदूं भी ना। ये पीयूष भाई हमारे, इन्हें सपोर्ट करिए भाई, जंप मार दो भाई, जंप मार दो भाई, पानी लेते नहीं जाएगा मैं अपने साथ। आ गए खाना खाने के लिए, भाई क्या खा रहे हो आज? आज हम छोले भटूरे लेने भाई। कौन सा भाई आप बताओ, कैसा लगा आपके आगे? बहुत अच्छा लगा, अभी तो माइंड काम नहीं कर रहा फिलहाल, भूख के आगे। कैसा लगा खाना? एकदम जैन बनता है, भटूरे की तारीफ करनी पड़ेगी। होटल भूल गए हैं कहाँ पे, कमेंट कीजिए। होटल हमारे राइडर को पता है,
इसने अपना चप्पल बेच के खाना खाया है, चप्पलें टूट चुकी है। हाँ तो अभी हम घर जा रहे हैं, कुछ जो दोस्त हमारे साथ आए थे उनका ऑफिस है कल, तो सारे ऑफिस वाले बंदे कल ऑफिस जाएंगे। हम तो वेल रहे हैं भाई, इधर घूम रहे हैं कभी इधर घूम रहे हैं। तो भाई कितना मजा आया भाई आपको? भाई बहुत बढ़िया। पानी कैसे है? पानी तो दूध जैसा आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी इसमें मिट्टी मिक्स हो गई है, इसलिए इसका कलर परिवर्तन हो गया है। भाई कितने दिनों पहुंच जाएंगे? भाई मुझसे दो घंटे में पहुंचा दूंगा। छह घंटे का रास्ता, दो घंटे में सफर तय हो जाता है। सही है भाई, गाड़ी हमारी रेंज रोवर है ना, हल्की मुल्की नहीं है, रेंज रोवर गाड़ी है। कहाँ से सीखी आपने? हाँ जी, कहाँ से सीखी आपने गाड़ी? मैंने सीखी है, ये मुझे सिखाई दी है मेरे इन्होंने, चंदन भाई ने मुझे। आपने कहाँ सीखी थी? हमें गाड़ी बहुत अच्छा चलाना आता है, बचपन से गाड़ी का ही शौक है। ठीक है, हमने गाड़ी का टायर खोलते खोलते गाड़ी चलाना सीख लिया। फिर इनके पास घोड़े थे, अपने खुद के घोड़े रखते थे इनका। अब इन्होंने पहले सबसे पहले एक गाड़ी ली थी मारुति 800 देखने के बाद इन्होंने स्कॉर्पियो ली। अब ये स्कॉर्पियो से सीधे रेंज रोवर पे आ चुके हैं। अब ये हल्की फुल्की उड़ाते हैं गाड़ियों को, सिर्फ हवाओं से बात करते हैं। तो सर आपका क्या प्लान है आगे, कौन सी गाड़ी लेने का? आगे यही प्लान है, कोई जेट खरीदेंगे, अपना प्राइवेट जेट, हवाई सफर करेंगे। ट्रेन खरीदने की सोच रहे हैं भाई? ट्रेन तो खरीदना नहीं है, जेट खरीदेंगे, उसमें बैठ के हवाई सफर करेंगे और आनंद लेंगे जिंदगी का। अब हम सोचते हैं चलो यार मनसा देवी चल लेते हैं, एक बारी मंदिर में भी दर्शन कर लेते हैं। हाँ चंदन भाई क्या कहना है आपको बताइए? अभी तो हमारा कहना है कि मनसा देवी मंदिर चलेंगे, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो। अभी गर्मी इतनी है कि हमारी पूरी हालत सी बिगड़ रही है। हाँ निखिल भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? दर्शन किए बाबा के, सारे पाप धोए अपने, अभी चल रहे हैं। 5 किलो पाप तो याद हो दी हमने, देखते हैं भोले बाबा दोबारा कब मिलाते हैं। कल ही आ रहे सिस्टम है मोहित भाई, सिस्टम कर दो एक बार मोहित भाई। अरे छुपा के रहे चेहरा भाई, इतनी पब्लिक है ना। जिस टाइम सुबह के टाइम आए थे, सुबह के टाइम बहुत ज्यादा भीड़ थी, पर अभी बिल्कुल कम है भीड़। पूजा पाठ हो गई है, अब जा रहे हैं घर क्योंकि बोर हो गए हैं। यहाँ पे ज्यादा क्या ही करना, मतलब हमारा मेन मकसद था स्नान का, वो हमने कर लिया है। गंगा जल लेंगे, सीधा घर चलेंगे अब। और यहाँ का जो पानी है ना, पहले तो मुझे लगा था जब मैं पिछले साल आया था ना तब बहुत साफ था, पर पता नहीं क्यों शायद बाढ़ की वजह से पूरा पानी मिट्टी मिट्टी में हो रखा है। पूरा पानी मिट्टी मिट्टी में हो रखा है, मतलब हमने स्नान करा, हम मैं सोचा पाप धोऊंगा, ऐसा लगा था लोगों के पाप मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं, मिट्टी 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 मिट्टी। बेवफा बेवफा बेवफा।